हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग पे। आज संडे है और सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के सनराइज़ देख लूँगा, पर क्या करोगे यार, 8:30 हो रहा है अभी उठा हूँ जस्ट मैं, और मम्मी बोल रही कि चाय बन चुके, चाय पी ले, तो फटाफट से जाता हूँ, फ्रेश हो गया था, फिर चाय पीते हैं। चाय क्या चाय है यार, मम्मी की हाथ की चाय ना हमेशा कड़क बनती है, एकदम अदरक अदरक क्वांटिटी सब परफेक्ट रहता है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया था, कल एसयू सर्विस सेंटर वालों का फ़ोन आया था, वो लोग बोल रहे थे कि आपका फ़ोन बन चुका है, आके ले जाइए, तो जाइए आप लोग देख के आइए, फ़ोन बन गया है, मैं तब तक चाय ख़त्म करता हूँ। आ गए अपन। और एक चीज़ और, यहाँ पर मैं आज पहली बार देखा, ये देखो यहाँ पे ना एक कैट कैफे करके, यहाँ पे देख रहे हो कैट कैफे, दिख नहीं रहा होगा शायद, क्या कैट कैफे तो पता, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ना बिल्लियाँ रहती होगी, उनके बीच ही खाते होंगे बैठ के लोग। रायपुर कैट कैफे आना पड़ेगा लगता है वहाँ भी एक आध दिन। चलो पहले तो फोन लेके आते हैं फटाक से। ये पूरा बन चुका है, अब फोन तो बन चुका है, अब इसको घर जाके अच्छे से दिखाते हैं कैसा चल रहा है, क्या है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं घर और चलो फोन दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। तो ये रहा मेरा फोन, क्या ही लग रहा है यार। इसका दिक्कत ये था कैमरे का, ये जो पहले कैमरा खोलता था तो नहीं खुलता था, अब देखो कैमरा खुल रहा है और ये ऊपर, क्या मस्त लग रहा है। तो दिक्कत क्या हो गया था बताऊँ आपको, ये जो मेरा कैमरा है ना, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ तो ये फ्लिप हो के आ रहा, दिख रहा है ना आपको, तो ये फ्लिप नहीं हो रहा था, पूरा उसका जो वो मोटर था वो ख़राब हो गया था, तो अब तो एकदम सही सलामत चल रहा है। ये देखो क्या मज़ा आई यार, मेरे को तो अपने GoPro से कैमरे से अच्छा ये वाला कैमरा लगता है, क्योंकि इसमें फोकस है ना, ऑटो फोकस है, मतलब कहीं पे भी फोकस करा सकते हो, GoPro में इन्फिनाइट फोकस है, तो मज़ा नहीं आती, तो मज़ा आएगी अब दोनों से व्लॉग करने में। बहुत खुशी हो रही है अपने फ़ोन एकदम बन के सही सलामत देखते हुए, तो अभी बस फटाफट फ़ोन को सेटअप करता हूँ, रिस्टोर करता हूँ डेटा, पूरा फ़ोन में जान डाल देते वापस से। और ये मेरा जो पुराना फ़ोन था, ये हालत इसकी ख़राब थी, पर एक हफ्ते इसने अच्छा साथ दिया, अब ये सोने चले जाएगा और हम वापस अपना नया फ़ोन यूज़ करने लग जाएंगे। तो जैसे कि आज संडे है और पेपर भी नहीं हम लोग का, तो कुछ अच्छा खाने का, कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था, तो ये शिप्रा है, मैगी 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 लेके आई है। वैसे तो खाना नहीं चाहिए ये सब, पर कभी कभार यार चल जाता है तो। मजे के लिए। कैमरा इधर है तो चल जाता कभी कभी, तो चलो खाते हैं, बनाते हैं कभी और देखते हैं फिर क्या करना है। पैकेट काट, पैकेट दो पैकेट, पूरा थोड़ी बनाएंगे, हाँ एक प्लेट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाना है, रोटी सब्जी बन गया। बाकी आज सब्जी में बना है ये ढेस की सब्जी, देखो दाल टाइप का, और ये है कोचाई की सब्जी, ये देखो सब्जी वब्जी बन गया, रोटी वोटी बन गया था, तो मम्मी बोल रही थी सब्जी रोटी खा चुपचाप से, तो मैगी वैगी बना रही, मत बनाओ मैगी वैगी ऐसे करके, पर ये है ना शिप्रा, इसके कारण बन रहा है मैगी। ए चल पानी गर्म हो गया डाल दे। मेरा तरीका मैगी बनाने का सिंपल पर मज़ेदार। अब ये बन चुका है हमारा मैगी एकदम परफेक्ट, तो हम दोनों ही खाने वाले हैं और कोई नहीं खाने वाला है, तो इसको मैं इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लेता हूँ। कैसा बने? ठीक ठाक मिक्स। हाँ बेटा झूठ बोल ले, अभी किचन में बोल रही थी एकदम अच्छा बना है, तो वो जैसे इसको सहलाने बहलाने के, तो ये का और पैकेट बचा हुआ ना, तो ये बनाएगा ना। अच्छा बना है मैगी, जैसे कि मैं बनाता था अपने जब पीजी में रहता था, तो कैटल में उबाल उबाल बनाता था, सेम वैसी मस्त एकदम। और ये
अपना एकदम देसी खाने वाला है, रोटी सब्जी इसका तो रोज का ही है। नहीं यार वो का आज मैं तंजीत खा लेते हैं हम लोग। हाँ जैसे कि मैं अभी दिखाया था आपको ठेस की सब्जी, तो ये होता क्या बता दे। ये ठेस ऐसा दिखता है, ये देखो ये तो, ये जो कमल होता है ना, कमल का फूल होता है वो, कमल फूल का जड़ होता है तो उसका सब्जी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लंबे लंबे जड़ होते हैं एकदम, उसका काट काट के पीस पीस में ऐसे बनाते हैं मस्त एकदम। तो हम तो मैगी खाते हैं, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं रोटी खाऊंगा। मैगी से भी टेस्टी लगता है सब्जी मैगी कुछ नहीं है इसके सामने भैया, सब्जी के सामने जानवर टाइप खाती हर बार का इच्छा। नहीं यार दादी इसको गंगेरवा बोलती थी गंगेरवा मतलब केचुआ दादी कह केचुआ कैसे खाते तुम लोग, ऐसे बोलती थी ऐसे से लेके जांच पास देख के खिला दादा दादी को। अरे आपको तो टेस्टी नहीं करा है खाना क्या, पर ये झूठा हो गया। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम आए थे कार का पूछने के लिए कि कैसे सजाया जाएगा कार को। तो दो तीन दुकान में बात करे तो एक दुकान वाले भैया ने ना कुछ सैंपल भेजा, वो आपको दिखाता हूँ कैसे फिर करने वाले अपन। तो ये सारे कुछ सैंपल्स है देखो, ऐसा कुछ सोचे हम लोग भी, इसी टाइप का कुछ है जैसे ये चुन्नी लगा हुआ है और यहाँ पे बीच में जो बूके है ये देखो फूल का ये, और ऐसी ये कुछ सैंपल और है इसमें से। मेरे को तो पर्सनली ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ब्लैक वाला में जो येलो वाला चुन्नी है ना ये मेरे को अच्छा। कार ब्लैक होगा उस पर तो ज़्यादा अच्छा देखते हैं ना, पे भी अच्छा लग सकता। चुन्नी लगा के देखेंगे, बाकी बेसिक अगर हम लोग पता करने ना तो ऐसे ही हम लोग को वो करना है ऐसे डिज़ाइन, जैसे ये ऐसा बोके बनाना है और एक चुन्नी लगानी। तो देख जैसे कि हटा उसको, जैसे कि ये कार है ना, तो हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि कैसे सोच रहा था से एक स्ट्रिप जाएगा, यहाँ से एक स्ट्रिप जाएगा, दोनों या तो अलग या सेम कलर जो भी, और यहाँ पे बूके रखेंगे, हो गया बस इतना। हाँ वही बेसिक वही है, वहाँ पे एक बड़ा सा बूके थोड़ा अच्छा दिखेगा और इधर पूरा चुन्नी लगेगा। और अगर साइड का बात करें तो साइड में हम लोग सोचे एकदम सिंपल रखने का, यहाँ पे चुन्नी लटकेगा एक और यहाँ पे एक चुन्नी लटकेगा दोनों साइड, और पीछे भी सोच रहे हैं कि चुन्नी लगा देंगे अगर अच्छा दिखेगा तो, यहाँ से भी एक छोटा चुन्नी बस बेसिक। और अगर एडिशनल हम लोग को कुछ और अच्छा करना है तो छोटा मोटा फूल ऐसे खाली खाली लगेगा तो वहाँ पे लगा देंगे। बाकी ये बेसिक सोचे हैं और ये हम लोग 25 को करेंगे क्योंकि 26 को ना सुबह सुबह निकल जाना है अपन को बाहर जाने के लिए, तो ये 25 को करना पड़ेगा अपन को। तो बस इसी का पता करने के लिए आए थे बाहर। और हाँ ये कार के फूल उल के साथ साथ हम लोग वरमाला का भी पता करें तो उसका अच्छा खासा प्राइस लग रहा है, तो सोच रहे हैं वो भी ले लेंगे। और एक्साइटेड है यार, मतलब शादी के लिए एकदम ये वाला कार का काम हम लोग को मिला था, वरमाला का काम, ये दो तीन काम हम लोग को मिला है, तो हम लोग कर रहे हैं अपने तरफ से बेस्ट। और एक चीज़ हाँ, और ये बताना कैसा लग रहा है डिफरेंस, क्योंकि ये जो बाहर की लोकेशन मैं जो भी शूट कर रहा हूँ ना अभी शाम को, मतलब ये कार अभी जो है यहाँ पे, तो उसका क्वालिटी कैसा है बताना, गोप्रो क्वालिटी, क्योंकि ये फ़ोन के क्वालिटी से वापस शूट कर रहा हूँ मैं, तो डिफरेंस बताना। और फिर बस इसी काम के लिए आए थे बाहर ही, तो बस अब घर जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर घर जाके ही बात करते हैं। तो इसकी बदौलत आज हम लोग का ये 8,000 का झटका लगा इसमें। और इसका शक्ल देखो अच्छे से आप लोग, इतनी काली हो क्या ये वहाँ एक डेढ़ महीने में। अरे यार तुम्हें क्या करूँ, मैं खेलती थी, तो चलो ना खाना खाने आ रहा हूँ मैं। बड़ा बबले उन लोगों को बुला के ला, मैं आई। और मैं तुम्हारी एक चीज लाई, क्या फर्स्ट है चॉकलेट, सेकंड है कच्चा खजूर। कहाँ है चॉकलेट? तो चॉकलेट तो बाद में मिलेगा ना, चलो अब। हाँ चलो फिर चलते हैं खाना वाना खाने के लिए। और ये देखो काली हो क्या आई वहाँ से, चलो। ये